नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ विस्तृत अध्ययन भाग एक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप CGPSC, CGVAPAM, असिस्टेंट प्रोफेसर या इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हमारे जितने भी और नए वीडियो हैं उनको नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को जो है 53% लोगों ने ही जो है सब्सक्राइब किए हैं, बाकी अन्य लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। इनका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलाइस। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना और इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष, दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल या सरी। इनका वैज्ञानिक नाम है सूर्या रोबुस्टा। दोस्तों, बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप कहते हैं, याद रखेंगे बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप कहते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है अरपा पैरी के धार। इनके रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ की आकृति, छत्तीसगढ़ की आकृति है सी हॉर्स के समान। दोस्तों, इसे जो है हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा, छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा जो है आप सभी को पता ही होगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ी। दोस्तों, इसकी स्वीकृति जो है 28 नवंबर 2007 को मिली है, जिसके कारण जो है राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, 28 नवंबर 2007 को जो है छत्तीसगढ़ी को जो है राजकीय भाषा जो है स्वीकृत की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों राजकीय प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, राजकीय प्रतीक चिन्ह यह जो है 4 सितंबर 2001 को आई है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह, दोस्तों छत्तीसगढ़ों से जो घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है वह जो है हरे रंग का है, याद रखेंगे हरे रंग का। मध्य में जो भारत का प्रतीक है अशोक स्तंभ वह जो है लाल रंग का है, याद रखेंगे मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ वह जो है लाल रंग का है। धान की बालियां, धान की बालियां यह जो है सुनहरे रंग की हैं, याद रखेंगे धान की बालियां जो है सुनहरा रंग की हैं। ऊर्जा, ऊर्जा को जो है नीला रंग से दर्शाया गया है, याद रखेंगे ऊर्जा को नीला रंग से दर्शाया गया है। और नदियों को जो रेखांकित करती हुई जो लहरें हैं उन्हें जो है तिरंगों के रंग में जो है दर्शाया गया है, याद रखेंगे नदियों को रेखांकित करने वाली जो लहरें हैं उन्हें जो है तिरंगों के रंग में दर्शाया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है, जबकि हर्बल स्टेट जो है 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, थैंक्स आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके जो हम आने वाले और आगे पार्ट हैं उनके नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।